लोग या ये जो आपने रजिस्ट्रेशन का जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला नाफिज किया सर, लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज, लोगों को सर तफसीलन बताएं इसमें क्या क्या है सर। देखिए इसमें मैंने जो अभी भी आपको कहा है कि अगर आपने बाहर से गाड़ी लाई है और परमानेंटली आप उसको यहाँ रखना चाहते हैं, गाड़ी किसी और के नाम की है और आप अपने नाम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बाहर से NOC लाना पड़ेगा उस नाम से जिस नाम को आपकी गाड़ी चलानी है। तो फिर वो NOC और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आपको हमारे पास आना है, तो हम यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। सर कितना टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर से यहाँ पे चला रहे हैं सर? नहीं नहीं वो डाटा हमारे पास कैसे है, वो डाटा हमारे पास है ही नहीं सर। दो दिन पहले आपने ऑर्डर निकाला जी। एनफोर्समेंट एजेंसी का काम अपना है, वो अपने हिसाब से देखेंगे, अगर किसी गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो वो तो अपना काम करेंगे, हमारा काम है रजिस्ट्रेशन करवाना, तो जिसके भी डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे वो आएगा तो हम कर लेंगे। सर ये जो आप रजिस्टर यहाँ पे करवाए, क्या उनको जम्मू कश्मीर का नंबर मिलेगा या वही नंबर? नहीं नहीं, उनको जम्मू कश्मीर का अलग नंबर मिलेगा। अलग नंबर मिलेगा सर उनको? सर जे के नंबर मिलेगा। तो सर लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज? मैसेज यही है कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक मत हो जाइए, आइए हम आपकी मदद के लिए तैयार है। अगर आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, NOC है, तो हम जितना भी जल्द हो सके मुमकिन होगा हम आपकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। थैंक यू सर।